हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सभी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वो है बटाटा वड़ा की रेसिपी, जो कि मुंबई की बहुत ही फेमस रेसिपी है, स्ट्रीट फूड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही ज़बरदस्त एंड टेस्टी सा ये रेसिपी बनकर रेडी होता है। इसके लिए मैंने ये बॉयल्ड आलू लिया है, इसे अच्छे से मैंने मैश कर दिया है। मैश करने के बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, उसके बाद रेड चिली पाउडर। गाइस, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनकर ये रेडी होती है। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, मिर्च का पेस्ट डाल दिया है एंड ये कूटा हुआ आपको धनिया है वो भी डाल देना है। ये चाट मसाला है वो भी चटपटा सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको मैं इसमें ऐड करूँगी, ये सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है आपको छोले मसाला, जो चना मसाला आता है ना, बिल्कुल वही लगभग एक चम्मच डालना है। कटे हुए आपको प्याज डाल देने हैं, हरी मिर्ची बहुत सारी डालनी है, धनिया की पत्तियां डालनी हैं एंड देन आपको करी पत्ते डाल देने हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। उसके बाद इसे अच्छे से मसाले को एंड आलू को मैश करते हुए एक अच्छा सा आपको तैयार कर लेना है आलू मसाला बटाटा वड़ा के लिए। गाइस, बहुत ही टेस्टी सी ये आपको स्ट्रीट फूड बनकर रेडी होती है, आप घर में कभी भी बना सकते हो। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब स्मॉल बॉल्स में इसके बना लेती हूँ। जैसे नींबू का जो शेप होता है बिल्कुल उसी साइज में मैंने आपको लिया है आलू का मसाला एंड देन इसे गोल सा शेप दे दिया है। बिल्कुल परफेक्ट आपको बटाटे वड़े वाली आपको आकार देनी है इसकी। तो देखिए, एकदम परफेक्ट इसी साइज़ का हमें बना लेना है। तो इतने सारे मैंने बना लिए हैं, आप देखें इतने आलू जो मैंने बनाए थे मसाले वाले, इतने आपको बटाटा वड़ा बनकर रेडी हुआ है। अब चलिए हम इसका घोल बनाते हैं। घोल बनाने के लिए मैंने आपको मिक्सिंग बाउल में लिया है बेसन। बेसन में डालना है हमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मसाले जो मैंने आलू वाले बनाए हैं बहुत ही चटाकेदार वाले हैं, तो ज़्यादा इसमें मसाला ऐड नहीं करना है। रेड चिली पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, बिल्कुल ज़रा सा फ्लेवर के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है एंड इसे अच्छे से मिक्स करना है। नमक भी हल्का सा डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड पानी डाल के इसका अच्छा सा परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमें डिप रेडी कर लेना है। एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल भी क्रिस्पी वाला टेक्सचर आएगा ना हमारा बटाटा वड़ा का, ये इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा घोल जो है यानी बैटर जो है वो किस कंसिस्टेंसी का हमने रेडी किया है। तो गाइस, बहुत ही परफेक्ट एंड ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज़बरदस्त एंड टेस्टी सी रेसिपी बनकर ये रेडी होती है। तो देखिए, घोल भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला। इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, देखिए मैं इसी तरह से घोल रेडी हो चुका है हमारा। अब मैं मिर्ची आपको एक मसाले एकदम ज़बरदस्त वाली तीखी मिर्ची की रेसिपी भी शेयर करूंगी इसमें, जो ये बटाटे वड़े के साथ खाया जाता है। तो मिर्ची को मैंने हाफ आपको कट कर लिया, पूरा नहीं कट किया है। इसमें मैं आपको फिल कर रही हूँ, चाट मसाला और छोले मसालों को मिक्स करके मैंने रेडी किया था और सारे मिर्ची में मैं इसी तरह से फिल कर दूंगी और इसे मैं बेसन में डिप करके इसे भी बटाटे वड़े के साथ खाने के लिए आपको फ्राई करूंगी। तो ऑयल हमारा मीडियम हॉट गरम कर लिया है मैंने, फ्लेम को मीडियम रखा है एंड एक एक करके आपको आलू के बॉल्स डालने हैं एंड बेसन का जो घोल है इसी तरह से चमचे से ऊपर से डालना है एंड एक्स्ट्रा घोल जो है इस तरह से चम्मच से साइड करके निकाल देना है एंड एक एक आपको तेल में छोड़ते जाना है। तो मिर्ची भी इसी तरह से मैं डाल दी हूँ, देखिए एंड बहुत ही टेस्टी लगता है बटाटे वड़े के साथ ये मिर्ची खाने में। बहुत लोग इसे आलू बोंडा भी बोलते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत ही क्रिस्पी, अपर लेयर इसका एकदम क्रिस्पी होता है एंड खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। आपको वड़ा पाव में यही वाला आपको बटाटा वड़ा जाता है, जो कि सभी का फेवरेट होता है एंड सभी को बहुत पसंद आता है। इसी तरह से इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। गाइस, अगर आपको रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह से हमें आपको अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ना, इवनली हमें अच्छे से फ्राई करना है ताकि चारों तरफ से जो कलर है ना इवनली अच्छा सा सुनहरा सा हो जाए। तो एक बैच हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैं अब इसे निकाल देती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त एंड एकदम मुँह में पानी आने वाला आपको स्टेज आ गया है, बहुत ही
डिलीशियस लगता है एंड देखने में कितना ज़बरदस्त एंड क्रिस्पी सा लग रहा है। तो एक बैच मैंने निकाल दिया है, दूसरा बैच भी इसी तरह से मैं डालकर आपको फ्राई कर लेती हूँ। तो गाइज ये इतनी इजी सी रेसिपी है एंड हम बाहर जाते हैं खाने के लिए, घर पे एकदम आसानी से सारे इंग्रेडिएंट्स अगर अवेलेबल हो तो बहुत ही इजीली बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है एंड ये बिल्कुल भी परफेक्टली हमें गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। तो गाइज रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड अमेजिंग सी ये बटाटे वड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, ट्राई कीजिएगा, खिलाइएगा सभी को, खुद भी खाइएगा एंड बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।